अर्थिंग या भू संपर्क का महत्व समझते हैं। किसी भी उपकरण को चलाने के लिए हमें दो तार की आवश्यकता होती है, एक तो है फेज, एक तो है न्यूट्रल जीवित तार और उदासीन तार, जिसके बीच का विभवांतर 220 वोल्ट होता है भारत में, ठीक है क्या। अगर मान लिया जाए कि विंडो कूलर है, मेटल बॉडी है, धातु का बना हुआ है, ठीक है क्या, और जीवित तार में ही करंट होता है, धारा होता है, जीवित तार का एकाध टुकड़ा अगर ये मेटल बॉडी के साथ कनेक्ट हो गया तो पूरे इस मेटल बॉडी में वैद्युत धारा आ जाएगा। अगर उस समय ये व्यक्ति ने इसको छू दिया तो यही धारा इस व्यक्ति के शरीर में चला जाएगा। हालांकि व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध 10,000 ओम होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन धारा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब इसी को दूसरे तरीके से समझिए कि मान लिया जाए कि इस कूलर में अर्थिंग भी उपयोग किया जाता, जो बड़ा वाला होल रहता है वो अर्थिंग का रहता है, तो अर्थिंग जो है वो धातु के बॉडी से ही टच होके पृथ्वी में गया रहता है, धातु के बॉडी से ही टच होके पृथ्वी में गया होता है, और पृथ्वी का धारिता जो है वो अनंत होता है, मतलब इसको कितना भी धारा या आवेश दे दो या इससे कितना भी धारा या आवेश ले लो, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए अब क्या हुआ है कि अब इस स्थिति में जब इस धातु के बॉडी में धारा आया तो इस धारा के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि ये अर्थिंग से कहाँ चला जाए, पृथ्वी में, और दूसरा रास्ता है कि इस बॉडी को शॉक दे दे, इस व्यक्ति को शॉक दे दे, वैद्युत शॉक दे दे। धारा हमेशा ऐसा रास्ता चुनती है जिसमें प्रतिरोध बहुत कम हो, क्योंकि जो अर्थिंग वाला ये भू संपर्क तार है, जो अर्थिंग वाला तार है उसका वो पृथ्वी में गया है जिसका धारिता अनंत है, यानी कि इसका प्रतिरोध बहुत कम, इसका प्रतिरोध एकदम निम्न रहेगा। तो क्या हुआ, अधिकतम धारा चला गया भू संपर्क से और बहुत कम धारा गया इस व्यक्ति से, तो इस व्यक्ति को बहुत कम मात्रा में शॉक लगेगा, ना के बराबर लगेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से जो भू संपर्क तार है हमें वैद्युत शॉक से बचा लेता है।